कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। यस, फ्री बात करने वाले हैं। यदि आपको अपना जन आधार कार्ड का PDF डाउनलोड करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं? यदि हम बात करें एसोसो आईडी की या फिर ई मित्र आईडी की, उसके अंदर जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जन आधार कार्ड का, जन आधार 2.0 का, तो उसके अंदर जो जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का जो सर्विस आना चाहिए था वो अभी तक सर्विस आया नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में डिमांड बढ़ गई है मार्केट में जन आधार कार्ड डाउनलोड करने की। तो ऐसे में आप जन आधार कार्ड किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं? यदि हम एप्लीकेशन की बात करें जन आधार कार्ड का, तो उसके थ्रू आप भी डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो नया वर्जन आ गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ दिक्कत आ रही, जिसके वजह से जन आधार कार्ड का जो PDF है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आए हैं जिससे आप अपना जन आधार कार्ड का PDF पर डाउनलोड कर सकते हैं। जन आधार कार्ड का डाउनलोड आपको OTP के थ्रू ही डाउनलोड करना होगा और इसी एप्लीकेशन से करना होगा। बट ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन में काफ़ी अंतर है। वो क्या अंतर है? तो मैं सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ इसमें डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने प्ले स्टोर को ओपन किया, उसके अंदर जन आधार टाइप किया, इंस्टॉल बटन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जन आधार का जो एप्लीकेशन पेंडिंग बताता है, फिर ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी हम इसके थ्रू डाउनलोड करने का ट्राई करेंगे जन आधार कार्ड, तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक अलग से एप्लीकेशन दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके थ्रू आप डाउनलोड करेंगे तो आसानी से आपका जन आधार का PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ओपन कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। ओपन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी आपको देखो जन आधार डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर डाउनलोड ई कार्ड का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना जो भी जन आधार कार्ड आईडी है वो टाइप कर देंगे। यहाँ पर टाइप कर दिया, उसके बाद गेट फैमिली मेंबर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, लिस्ट आ जाता है। अब जिसके मोबाइल नंबर पर ऑटो पे सेंड करना चाहते हैं उसके नेम के आगे जो मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है क्रॉस क्रॉस में, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये ऑटो पे का ऑप्शन ऑप्शन इनेबल हो जाता है, तो इसके अंदर आपको ऑटो पे को फिलअप करना होगा। हमने यहाँ पर ऑटो पे को फिलअप कर दिया, वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर वेट बताता है, कुछ लोडिंग लेता है, वेट करते हैं, देखते हैं PDF मिलता है नहीं मिलता है। फिर ऐसा ही रहकर यहाँ पर बंद हो जाता है यहाँ पर प्रोसेसिंग, तो अलाउ करने के लिए बोल रहा है तो अलाउ कर लेते हैं, देखते हैं कि PDF मिलता है नहीं मिलता है। तो ऊपर क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंटर विथर, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ PDF डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, ऑटो वेरीफाई का सब कुछ वेरीफाई को PDF नहीं मिला। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन से आपका जो जन आधार कार्ड है डाउनलोड नहीं होगा। हम इस एप्लीकेशन को पर टिक कर लगा रखते हैं और यहाँ पर अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास एक एप्लीकेशन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, जो ओल्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपना जन आधार कार्ड का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखो उसमें ऑप्शन आ रहा था डाउनलोड ई कार्ड, अब इसमें आ रहा गेट ई कार्ड, तो मतलब एप्लीकेशन अलग अलग है ना, तो इससे डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो ई कार्ड पर क्लिक कर देना, ये देखो यहाँ पर ही ऑप्शन है, तो ई कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर भी अपना जन आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, ना टाइप कर दिया, उसके बाद गेट फैमिली पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, और जिसके मोबाइल पर ऑटो पे भेजना है उस मोबाइल पर क्लिक करेंगे, ऑटो पे आ जाता है, ऑटो पे डाल देना। यहाँ पर ऑटो पे को फिलअप किया है और उसके बाद वेरीफाई बटन आ रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा वेटिंग लेगा, तो वेट कर लेना है और कुछ सेकंड का आपको वेट करेंगे तो आपके सामने अलाउ करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही देखो आपके सामने PDF आ गया है। ठीक है, आपके सामने PDF आ गया जन आधार कार्ड का, जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अपडेट है उसे डाउनलोड नहीं हो रहा, जो इसका ओल्ड वर्जन है उसे डाउनलोड हो रहा है। और इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। उस एप्लीकेशन से करेंगे तो आपका भी PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें।